कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं हो तात तुम पाई। मतलब प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता, और प्रभु चाहे ना तो कोनो कठिन काम नहीं है, कठिन काम नहीं है। कि कर्म बुरे करो या नेक, प्रभु के पास है सबका लेख। क्यों? अरे पुण्य को भुला दिया, पाप को बढ़ा दिया, और बुरे कर्मों से तूने अपने आप को बुरा किया। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और जन्म हमारा सफल भाज। मतलब उनकी कृपा से मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि उनके चरण में मतलब कोई भी इतना प्रयास या कुछ भी मतलब हो तो उनकी कृपा के बगैर कुछ नहीं होता है। तो राम राम भैया, नमस्कार। और आप देख रहे हैं बुंदेली बौछार, और हम रही यादव। कथ है जी में पिथवा हो गए, तो कहीं ना कहीं देखा थे ऐसे ही एक बहुमुखी पिथवा के धनी है, जने हमारे संगे मौजूद हैं विजय विश्वकर्मा जी। भजन संध्या भी करते हैं, गायक भी हैं, कमेंटेटर भी हैं, और इन से बात करते हैं। राम राम भैया विजय भाई। आदरणीय भैया जय श्री राम। कहा है विजय भाई, तमाम चर्चाएं सुनी थी कि अच्छी बढ़िया कॉमेंट्री भी होते है, और जो है भजन संध्या या संध्या कांड वगैरह कह लू, तमाम चीजें करत है, इतनी चीजें एक संग कहते हैं। अब भैया हम तो ये मानते हैं कि हमारा कुछ नहीं, हम तो प्रभु कृपा मानते हैं। जैसे कि भगवान की कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो भगवान की कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता है। तो सब हम तो ये हमारा कुछ नहीं है, स्तुति नहीं है हमारा, सब भगवान की कृपा से। तो कॉमेंट्री भी करते तो भगवान की कृपा से, सुंदर कांड भजन संध्या भी करते कंटिन्यू, मतलब 10-15 घंटा भी बोलते रहते सब उन्हीं कृपा से। तमाम बड़े बड़े टूर्नामेंट जो आयोजन वगैरह होते हैं टीकमगढ़ जिला में, अन्य जिलन में भी होते, बुलाओ जात बढ़िया विजय भाई को, और इंग्लिश हिंदी संस्कृत तमाम तरीका की कॉमेंट्री होते रहते है। और जो है भजन संध्या और सुंदर कांड तो लाजवाब तरीका से प्रस्तुत करते हैं विजय भाई। विजय भाई सबसे पहले अपनो परिचय दो। आदरणीय भैया, हम ग्राम बटवा मोहनगढ़ रोड पटवा गाँव है, सूर्य मंदिर मड़खिया के पास, और हम विजय विश्वकर्मा। गावो जो कब से शुरुआत करो, तो कब से मंच पे जावो शुरू करो? मतलब सब तो शुरुआत जब पढ़ते थे जब से, लेकिन अभी 2-3 साल हो गए, मतलब जब से ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। और मतलब भगवान की हानिया था कि प्रभु कृपा भयो सब काजू, और जन्म हमारा सफल भाजू, प्रभु ने अपने चरणों में ले लिया, तो बस सब सब बढ़िया बढ़िया है। संध्या कांड की चौपाई में सुना रही उनने, तो संध्या कांड में मंडली कितनी है, और कहाँ कहाँ अभी तक संध्या कांड करे आए हो? हमने सुनी बागेश्वर भी गए थे संध्या कांड। नहीं नहीं, बागेश्वर भी संध्या कांड करे आए हैं, और संध्या कांड जो अपने परम पूज्य ने बागेश्वर के महाराज जी की, जो अपने 2 बार जी के उजला में आए ना, तो रक्त मतलब जो थोड़ा बहुत गाने का सौभाग्य उसमें भी हमें मिला है, तो मतलब वो भी गाया है। और संध्या कांड तो मतलब जहाँ जो बुलाता है वहीं चले जाते हैं, अपन को तो भगवान का गुणगान करना है, तो मतलब कहीं भी चले जाते हैं। और बाकी कमेंट्री का ऐसा रहा कि अपने जिला से लेकर जतारा पलिया खागा पट्टी कौन लतपुर झांसी निवाड़ी दतिया सुनगर सागर गुना, और भगवान के पास से और सबकी आप सबके आशीर्वाद से 8 बार बेस्ट कमेंटेटर अवार्ड भी मिल गया। 8 बार बेस्ट कमेंटेटर को अवार्ड भी मिल गया है, 8 बार जैसे फिल्म पे अवार्ड मिला, फिल्में बनाई हुआ हूँ, ऐसी कमेंटेटर को अवार्ड, वही बेस्ट कमेंटेटर को 8 बार। अच्छा कितने कितने जगह वगैरह का डिसाइड है, कितने कितने मिलो जो बेस्ट कमेंटेटर? मतलब अब जैसा है कि जैसे जतारा में जो एसटीएम साहब ने करवाया था, और अपने टीकौंड में भी अपने सर करवाते हैं, और मतलब कहीं भी गया जहाँ, तो मतलब बेस्ट कमेंटेटर भी कमेंटेटर रहते हैं। वो अवार्ड कोनो टूर्नामेंट में पहुंच जाए विजय भाई, बेस्ट कमेंटेटर को अवार्ड तो नहीं कि ना लिख जा सीधो। अच्छा संध्या कांड करा था, संध्या कांड में कौन कौन सी ऐसी चौपाई जो आपको बहुत ही अच्छी लगा, तो दिन में भी लगा गुनगुनाते ही रहा? क्या सरकार चौपाई तो सब है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें जो लगता है प्रभु की, कि मतलब उनकी कृपा उनके बगैर कुछ नहीं होता। एक तो है कि कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं हो तात तुम पाई। मतलब प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता, और प्रभु चाहे ना तो कोनो कठिन काम नहीं, कठिन काम नहीं है। और मैं अपने लिए मानता हूँ सबके लिए, मतलब प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और जन्म हमारा सफल भाजू। मतलब उनकी कृपा से मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि उनके चरण में मतलब कोई भी इतना प्रयास या कुछ भी मतलब हो तो उनकी कृपा के बगैर कुछ नहीं होता है। तमाम तरीका की चीजें हैं, कमेंटेटर जब करत हो तो बुंदेली बोला तुम्हें कि नहीं? नहीं सरकार, बुंदेली भी बोलते हैं, मतलब जो कुछ कुछ लोग रहते हैं उनके भैया बुंदेली भी सुना दो बोलते, तो हिंदी इंग्लिश में भी कमेंट्री करते, लेकिन कुछ लोग अभी जैसे इंग्लिश में कह के सुनाते हैं, इंग्लिश में जैसे होता है जैसे नेक्स्ट बॉल इज ब्यूटीफुल बॉलिंग, जैसे मतलब कलेक्टिंग बाय विकेट कीपर इज नो डैमेज डन टू नेक्स्ट बॉल, टोटल रन 162 रन एंड लॉस ऑफ 3 विकेट्स गॉन, लास्ट विकेट गॉन 32 रन, सो वेरी वेरी एक्सलेंट पार्टनरशिप देयर, 66 डिलीवरी इन 86 रन,
मतलब कोई भी टीम हो, दिल्ली इस बंदा टॉस एंड डिसाइड एंड बैट फर्स्ट, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है टीम। भैया फलाटीदार इंग्लिश में, अंग्रेजी में कमेंट्री हो गई, अब हिंदी में सुनवाए हम, हिंदी में तनक हो जाए तनक। हिंदी में इस बार खेला था तकरीबन मिड ऑफ के ऊपर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, इस बार कोई मौका नहीं फील्डर के पास, और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। हालांकि जो कप्तान है बहुत ही लाजवाब कप्तान है, इनका नाम सुमारे, लेकिन फिलहाल में इनका भी जो कि इस मैच में जो मुकाबला जो परफॉर्मेंस ये बहुत ही शानदार रहा है, और बढ़िया 106 रन पर इनके दो विकेट गिरे हैं, लेकिन बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा अभी तक। बुंदेली में तनक सुना, बुंदेली में अभी जैसे अंतरराज्यीय टूर्नामेंट चल रहा था लड़कियों का, जो अपने बने प्रताप सिंह दाव करवाते हैं, तो उसमें मतलब सब लोग उनकी परवाज थी के बोलो, तो मतलब उसमें थोड़ा बोल दिया, इन बिन्ना लोगों ने उमदा काम किया है, लेकिन खेल तो बढ़िया नहीं थी बिन्ना लोग, लेकिन मतलब इस बार अच्छा कार्य नहीं कर पाई, मतलब उमदा कार्य नहीं कर पाई, और गेंद के पीछे ही भागती रहती है बिन्ना लोग, मतलब कुछ भी मतलब बोलते। बुंदेली में भी गजब की कॉमेंट्री हो दे भैया भाई, सुंदरकांड वगैरह एक अपने आप में एक भक्ति को एक ऐसा रस कह लो, ऐसा आयोजन कह लो के जो 2-3 घंटा में पूरा हो जाते हैं, और तमाम तरीका के कलाकार जो बनत हैं गावे वाले गायक, हमारे हिसाब से तो भजन संध्या सुंदरकांड से निकलत जो भी बहुत ही अच्छी आंगी तक जाते हैं, ऐसी हमारी मनोकामना है, आप भी जाओ। अच्छा ऐसा करूँ भजन वगैरह ऐसो बुंदेली को ऐसो गीत वगैरह कौन है जो सुना वो चाहू? अब बुंदेली में मतलब जैसे अब कोई गीत तो बहुत से हैंगे, लेकिन मतलब जैसे कि फूल बिछुआ दो सारी डगरिया में, अम्बेरानी बिराजी नगरिया में, अरे आरती मैया की आरती उतारो, हाँ आरती उतारो, सुलाओ गंगा जल भर के गगरिया में, फूल अम्बे रानी विराजी नगरिया में। जब गौ माता रानी को जगराता वगैरह होते तो विजय भाई माता रानी के गीतन की प्रस्तुति देते हैं, और जगराता भी कराओ तो जो भी गीत है तो वो, और विजय भाई बहुमुखी प्रतिभा कह सकते हैं कि कॉमेंटेटरी भी और गायन भी, ऐसे बहुत बेहतरीन लोग मिले थे, ये दो चीजें ना संभाल रहे हुए अपने विजय भाई संभाल रहे थी कमगढ़ से बिलोंग करन, और कछु क्या वो चाहू विजय भाई? अब हमारे बुंदेली बोछार जो चैनल है उनके बड़े भाई हमारे संपादक हैं जो सचिन चौधरी जी, बढ़िया एक कार्यक्रम करवा रहे हैं बुंदेली आइडल का, एक जिनके 3 ऑडिशन सफलतापूर्वक हो चुके हैं। अच्छा बुंदेली आइडल का है, बुंदेली आइडल ऐसे व्यक्ति जो गायन के क्षेत्र में रुचि रखत, बुंदेली की कोनो भी विधा में होवे, चाहे वह डमरियाई होवे, फाग होवे, लोकगीत होवे, जो गावे के इच्छुक होवे, जिन्हें मंच नहीं मिल रहा तो उन्हें मंच देते हैं। अब 3 ऑडिशन हो गए, छतरपुर, लैतपुर और गड़ाकूटा, अब अपने टीकमगढ़ हुई है शायद, तो ये पे का के वो चाहते? बिल्कुल हम भी सोचते हैं और हम भी चाहते हैं, हम क्या कुछ जिला चाहता है कि सब जगह हो रहा था अपना टीकमगढ़ क्यों अछूता रहे, तो अपने टीकमगढ़ में भी बहुत से मतलब टीकमगढ़ जिला में बहुत से ऐसी जो प्रतिभाएं हैं जो गाने के जो केवल गांव में डले हैं, उनको मतलब प्रतिभा तो है लेकिन उनको मतलब मौका नहीं मिलता है, मंच नहीं मिल रहा, मौका नहीं मिल रहा उनको, तो उनको भी भगवान के पास से मौका मिले तो वो भी आगे बढ़े। और रहा भैया सचिन भैया की बात, तो सचिन भैया तो अपने बुंदेलखंड की शान है, उनके तो मतलब उनकी तो भाषा और उनका जो बोलना है वो तो बहुत अच्छा है, और हम तो भैया से 2-3 बार मिल चुके हैं, पहली बार ही मिले तो भैया ने हृदय से लगा लिया था हमें सचिन भैया ने, तो मतलब सचिन भैया के लिए तो जितना शब्द बोलो उतना कम है, और बुंदेली के तो शान है सचिन भैया, बुंदेली मतलब बुंदेलखंड में सचिन भैया तो अलग ही बात है, उनके तो हमारे पास शब्द नहीं है इतने, मतलब कुछ भी नहीं कह सकते, बहुत अच्छे हैं भैया हमारे। अच्छा जो अन्य व्यक्ति हैं जो इंटरव्यू हम देख रहे हो और बुंदेली आइडल में भाग ले बोचाऊ, तो एक नंबर है, नंबर पे आप संपर्क करो और अपनो रजिस्ट्रेशन करा लो, जितने भी आपके जो नजदीकी शहर में जो ऑडिशन हुई है इसमें आप जरूर जरूर पार्टिसिपेट करो, और आपको वो मौका दे रहे हैं जो आपको को नहीं दे सकत, ऐसा मंच जिससे आप अपनी गायकी की प्रतिभा को दिखा सकत हो। और विजय भैया और सुनाओ कुछ? बस और एक जैसे मतलब हम गीत गाते हैं, मतलब सब लोग बोलते हैं सबसे ज्यादा कि कर्म बुरे करो या नेक, हमारे एक परम पूज्य महाराज है जी के दवे जी, उनको मतलब मार्गदर्शन सबको अच्छे ही देते रहते हैं, तो मतलब उनको ये उन्होंने गीत को इस राइट किया है मतलब हमारे लिए, तो मतलब उन्होंने लिखा है, तो मतलब बोलते हैं कि कर्म बुरे करो या नेक, प्रभु के पास है सबका लेख, क्यों अरे पुण्य को भुला दिया पाप को बढ़ा दिया, और बुरे कर्मों से तूने अपने आप को बुरा किया, वो अपने मन का ये खोलो विवेक,
प्रभु के पास है सबका लेख, सबको लेख लिखो रखो है विधाता की लगा। और यही सब लाइने हती विजय भाई की, और बहुत ही सुंदर प्रतिभा है इनके अंदर गायकी की, कॉमेंट्री की, तमाम मंचन से सम्मानित भी हो चुके हैं। और आप देख रहे थे हमारे संग विजय भाई को टीकमगढ़ से, रहीस यादव बुंदेली बोछार किला। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।